है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, तो आज मैं फिर से आया हूँ फरहान टेलीकॉम। तो यहाँ पे कुछ न्यू सेट आई है फ़ोन की, सेकेंड हैंड फ़ोन। तो चलिए, फरहान भैया ने बुलाया था, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। तो चलिए एंड तक देखिएगा वीडियो, तो मिलते हैं वीडियो में। सो गाइस, चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहे फरहान भैया, तो चलिए आइए फरहान भैया, आइए आइए। स्वागत है फरहान टेलीकॉम में। नई स्टूडियो में तो बहुत सारा माल दिखाए थे, कुछ कुछ माल नहीं था, कुछ कुछ माल अभी नया आया है। सो गाइस, अभी दुकान में कुछ नई नई फोन आई है सेकंड हैंड। तो भैया ने बोला कि आज वीडियो बना ले, तो कुछ कुछ सेट आई है यहाँ पे। चलिए, तो भैया कुछ वीडियो में और आगे बताएंगे यहाँ पे, कुछ जो पहले वीडियो में नहीं बता पाए थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सेट है भैया के पास। ये वीवो का Y50 है। तो वीवो का Y50 है, ये 8GB 128GB लेना चाह रहा है। बजट भी कम है, तो वो बजट में हम दे देंगे 10,500। दो महीना का, दो महीना का सेट है, 10,500 में ये सेट हो जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं Vivo Y50 और इसका प्राइस आपको यहाँ पे क्या पड़ रहा है, 10,500। कंडीशन भी फ्रेश है, तो कंडीशन देख सकते हैं फोन का, तो वेरी गुड कंडीशन है। तो फोन का कंडीशन आप देख सकते हैं, A1 कंडीशन है गाइस, और फोन बहुत कम यूज किया गया है। और जिनके पेरेंट्स न्यू फोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे आके फोन ले सकते हैं फरहान टेलीकॉम से। तो चलिए अब नेक्स्ट फोन पे जाते हैं। MI का है नोट 9 प्राइम। सुबह ही जब हमारे पास नोट 9 प्राइम MI की, ये एक महीना का, ये सिर्फ एक महीना का सेट है। और कंडीशन आप देख सकते हैं, वेरी गुड कंडीशन है, कंडीशन आप देख सकते हैं एकदम न्यू कंडीशन है, फोन फ्रेश देख रहे हैं, चलने में भी बहुत फ्रेश है। तो इसे क्या प्राइस पर है फरहान भैया? ये आपको मिल जाएगा 8,000। तो इसका प्राइस आपको यहाँ पे पड़ेगा 8,000। और कब का है, एक महीने का ना? नहीं नहीं, ये आपका भाई 15-20 एक ही महीना मान के चलो, तो एक महीना के अंदर ही कुछ अंदर में कुछ आया। तो देख सकते हैं फोन का कंडीशन, इसके साथ आपको चार्जर सब कुछ एक्सेसरीज अवेलेबल है, सब चीज मिल जाएगा आपको, और फोन का बिल सब आपको फोन के डब्बे में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फोन को देखते हैं। तो कौन सा अगला फोन सेट है? कैमरा है Oppo F11 Pro, जो कैमरा निकलता है बाहर। ओह, सो गाइस आप देख सकते हैं Oppo F11 Pro। तो इसका तो कैमरे के बारे में आप जानते हैं कि कैमरा क्लिक में कैमरा ऊपर से निकलता है। सो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप फ्रंट कैमरा खींचेगा तो यहाँ से कैमरा ऊपर निकलेगा। तो कुछ भाई लोग ऐसा फोन खोजते हैं फैशन के लिए ना। तो क्या प्राइस पड़ रहा है इसका? ये पड़ेगा आपको 8,500। सो गाइस, जिसका प्राइस आपको पर 8,500 और इसका न्यू में क्या प्राइस है? नया में सेट इसका 24,000 दाम इसका। तो नया में इसका 24,000 दाम है, आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं जाके ऑनलाइन में। तो यहाँ पे आपको ये 8,500 में अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भाई लोग Oppo F11 Pro खोज रहे हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं आके। तो चलिए नेक्स्ट फोन पे जाते हैं। Vivo V11 Pro है, 6GB रैम, स्क्रीन फिंगर। सो गाइस आप देख सकते हैं Vivo V11 Pro, और क्या प्राइस पड़ रहा है इसका? प्राइस पड़ेगा आपको 6,500। सो गाइस, इसका प्राइस आपको यहाँ पे पड़ेगा 6,500। 6GB रैम का बहुत सारा किसी को लेने खोजता है तो 6,500। मतलब कि अगर कोई आप इंटरनल ज़्यादा खोज रहे हैं या कुछ भी रैम, तो सही है। और कब का मॉडल है, मतलब कब का है, कितना महीना पुराना? साल भर हो गया इसका। तो साल भर का सेट है गाइस, और कंडीशन फ्रेश दिखा सकते हैं, कंडीशन आप देख सकते हैं, फुल्ली फ्रेश कंडीशन है, एकदम हैंग वैंग का कोई नाम नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम कंडीशन सही है। और बैग भी देख सकते हैं आप, कवर खोल के मैं दिखा देता हूं आपको, देख सकते हैं फोन एकदम मिंट कंडीशन में। तो क्या प्राइस पड़ रहा है इसका? ये आपको पड़ेगा 6,500। तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 6,500 गाइस। तो चलिए नेक्स्ट फोन पे जाते हैं। तो इसका बिल डब्बा सब मिल जाएगा, सब कुछ एक्सेसरीज के साथ है, बिल डब्बा सब कुछ मिलेगा, सारा चीज आपको मिल जाएगा इस डब्बे में। कब का फोन है, सबके साथ बिल डब्बा है मेरे पास। तो गाइस, कब का फोन है, कब लिया गया, सब चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट फोन पे जाते हैं। नेक्स्ट फोन आपको कम बजट की फोन देखी जाए तो P5L है, ये आपको 1500 में आ जाएगा, 4G 1500। जो छोटे लोग होते हैं, जो नॉर्मल बजट का जिनको प्रॉब्लम होता है, सिर्फ वो कॉलिंग के लिए रखना चाहते हैं एक एंड्रॉइड से नॉर्मल का, तो 1500 में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा जियोनी का। तो कब का सेट है भैया? 2-3 साल का, साल भर। तो साल भर का ही सेट है, तो आए देखें जिनको ऐसे ही नॉर्मल एक कॉलिंग के लिए या कुछ लेना है वो ले सकता है, आराम से ले सकते हैं। तो चलिए, अब बजट कम दाम का हर चीज ले सकते हैं। कौन सा तरीका है आपके पास? बाकी सब तो लगा हुआ है, देख सकते हैं Oppo, ये देख सकते हैं, पर ब्रांड में लेना है तो Oppo का F17 है। तो गाइस आप देख सकते हैं, और Oppo F17 Pro है, F17 क्या प्राइस पड़ रहा है इसका? ये आपको पड़ेगा 14,500।
सो गाइस फरहान भैया कुछ बोलना चाहते हैं तो सुनिएगा। एमआई का भी सेट है ब्रांड में जो आता है जो दानिश के ड्रेस में फर्स्ट टाइम एमआई का एमआई 10 ठीक है। सो गाइस एमआई 10 ये 5G लॉन्च हुआ है नया एमआई 10 ये भी मेरे पास अवेलेबल हो चुका है ठीक है। ये आपका सिर्फ 20 दिन का मोबाइल है नया का दाम है 35,000 ये मोबाइल आपको हम दे देंगे 22,000 में। इस फोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा MI 10 तो 5G सेट है और इसका अभी ऑनलाइन पे इसका प्राइस क्या पता है 35,000 और आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा 21,000। सो गाइस तो अगला सेट आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो तो इसे क्या प्राइस पड़ रहा है ये आपको पड़ जाएगा 14,000। सो गाइस इसका प्राइस आपको यहाँ पे पड़ जाएगा 14,000 और 2 महीना का मात्र सेट है और 8GB रैम 128GB इंटरनल ना तो आप देख सकते हैं डब्बा भी एकदम न्यू है तो अगर और भी कुछ सेट लेना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले आईफोन भी निकल चुका आईफोन 7 हम 128GB लगभग आपको 9,000-10,000 तक में आ जाएगा। तो कांटेक्ट करें भैया से अगर कोई महंगा सेट हो या कोई ऐसा सेट जो आप लेना चाहते हैं तो वो ला दिया जाएगा हर चीज का माल मिल जाएगा। टेलीकॉम आपको अगर कभी आते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ अगर आप कोई सेट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो भी एक्सचेंज हो जाएगा ना और मतलब कि फोन बेच के आपको अगर पैसे की भी जरूरत है तो आप यहाँ बेच सकते हैं अपने फोन पर पैसा दरकार पड़ जाता है अचानक तो अगर आपको अचानक से पैसा भी दे सकते हैं उसको मोबाइल लेने का भी दरकार नहीं है तो जैसे भैया ने बोला कि अगर आपको कैश का जरूरत है अगर कुछ वैसी प्रॉब्लम तो आप यहाँ आके अपने फोन को सेल करके पैसा ले जा सकते हैं और फोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपको सारा सेट मैंने दिखा दिया और कुछ कुछ सेट है तो भैया के पास सेट आते रहता है और निकल जाता है क्योंकि अभी तक जहाँ तक हमको पता है कि सेकेंड हैंड फोन का ज़्यादातर लोग कोई यूज़ नहीं करते तो इसलिए सेकेंड हैंड ज़्यादा लोग खरीदते हैं और कुछ के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो सेकेंड हैंड लेते हैं। और गाइस अगर आपको कोई सेट अगर आपको चाहिए जो अगर आपको लगता है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया हमको ये सेट चाहिए तो भैया आपको अवेलेबल कर देंगे दुकान में आके आप ले सकते हैं तो भी ऑर्डर दे दीजिएगा एक दो दिन टाइम दीजिए माल अवेलेबल भैया आपको टाइम लेके बता देंगे कि हाँ इतना दिन के अंदर मैं ला दूंगा और आप अपना फोन आके ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।